असम में बड़ा हादसा, ब्रह्मपुत्र नदी में दो नावों की टक्कर, एक की मौत, 69 लापता रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। असम के जोरहाट जिले में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां ब्रह्मपुत्र नदी पर 120 यात्रियों को ले जा रही दो नाव आपस में टकरा गई। हादसे के बाद से करीब 69 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं 50 लोगों को बचा लिया गया है, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दोनों नाव अलग अलग दिशा से आ रही थी। एक नाव जोरहाट के निमती घाट से माजुली जा रही थी, जबकि दूसरी माजुली से जोरहाट जा रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाव माजुली घाट से सिर्फ 100 मीटर दूर थी। नावों में करीब 25 से 30 बाइक भी रखी हुई थी। जोरहाट के SP अंकुर जैन ने निमती घाट पर हुए नाव हादसे में एक की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि बचाव अभियान अभी भी जारी है। NDRF के डिप्टी कमांडेंट P श्रीवास्तव ने दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की रिपोर्ट के मुताबिक 50 लोगों को बचा लिया गया है और 70 लोग अभी भी लापता हैं। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF की टीम रेस्क्यू लगातार ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचा रही है। हादसे के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राज्य के मंत्री बिमल बोहरा को तुरंत घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे कल निमती घाट पर जाएंगे। PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी असम में नाव हादसे पर दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया।